11.2 गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन स्मॉल जी। गति के अध्याय में आपने जाना कि बल के कारण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं। समीकरण 4 एवं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की सहायता से हम स्मॉल जी का मान निकाल सकते हैं। मान लें कि पृथ्वी के सतह पर एक स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है। पृथ्वी उस वस्तु के ऊपर F बल लगा रही है। समीकरण 4 से F बराबर कैपिटल जी कैपिटल M गुणित स्मॉल m बटे कैपिटल R की घात 2। कैपिटल M बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल R बराबर पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह की दूरी, स्मॉल m बराबर वस्तु का द्रव्यमान है। इस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि यह त्वरण स्मॉल जी है तो F बराबर स्मॉल m स्मॉल जी। समीकरण 5 एवं 6 को एक साथ लिखने पर स्मॉल m स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल m गुणित स्मॉल m बटे कैपिटल R की घात 2। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल m बटे कैपिटल R की घात 2। समीकरण 7 की सहायता से हम स्मॉल जी के मान की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर 6 गुणित 10 की घात 24 किलोग्राम और त्रिज्या कैपिटल R बराबर 6.4 गुणित 10 की घात 6 मीटर। गणना करने पर स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के लगभग है। इस अध्याय में सभी गणितीय सवालों को हल करने के लिए सुविधा के लिए हम स्मॉल जी के मान को 10 मीटर सेकंड की घात -2 लेंगे। क्या स्मॉल जी का मान सभी स्थान पर एक ही है? क्या स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान, आयतन, आकार, वस्तु की प्रकृति, घनत्व, पृथ्वी के ऊपर की अवस्था और पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करेगा? इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? क्या पृथ्वी के ध्रुव और भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान समान है? कहां पर यह मान अधिक होगा? अपने साथियों से चर्चा करें।